नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं कथाकार मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक बहुत ही उल्लेखनीय कृति, उनका उपन्यास महाबोझ। और इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और उसकी कथा सार के बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगी, ताकि आपकी विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत हो सके, आप उसकी मूल संवेदना को अच्छी तरह से हृदयंगम कर सकें। और उसके बाद हम इस उपन्यास पर आधारित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए कथ्य को समझने में सहायक होंगे। कुछ एक प्रश्न ही ऐसे हैं, क्योंकि अक्सर बहुत लंबे समय तक महाबोझ किसी पाठ्यक्रम में नहीं रहता था, तो कुछ पांच चार पांच प्रश्न ही पिछली परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि अब ये निरंतर पाठ्यक्रम में रहता है, तो हमें इसके तथ्य को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। महत्वपूर्ण तथ्य महाभोज के विषय में, 1989 में प्रकाशित ये एक राजनीतिक उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखेंगे, राजनीतिक ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभोज किस प्रकार का उपन्यास है, तो पहली बात, राजनीतिक उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष, इसका पहला संस्करण जो प्रकाशित हुआ वो 1989 में हुआ। कथावस्तु का केंद्र क्या है? कथावस्तु का केंद्र है सरोहा ग्राम, और इसमें एक बात और जोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में स्थित सरोहा ग्राम इसकी कथावस्तु का केंद्र है। यानी इसकी कथा जिस गांव के इर्द गिर्द घूमती है वो है उत्तर प्रदेश में स्थित सरोहा ग्राम। 1976 की चुनावी नीतियों पर आधारित ये उपन्यास है। ऐसा कहा जाता है कि 1975 में आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए और 77 में एक सरकार दोबारा नई बनी, उस समय 1976 और 77 में जो चुनावी रणनीतियां पक्ष और विपक्ष के द्वारा, यानी सभी पक्षों के द्वारा, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा बनाई गई, उन्हीं प्रणीतियों पर आधारित, उन रणनीतियों पर आधारित उपन्यास है जो राजनीति के भद्दे विकृत रूप को हमारे सामने उजागर करता है। उपन्यास में क्या बताया गया है, ये ध्यान देने की बात है। उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठबंधन का यथार्थ परक चित्रण किया गया है। यानी राजनीति जब अपराध के साथ में गठबंधन कर ले, यानी अपराधी मनोवृत्तियों वाले व्यक्तियों के साथ के माध्यम से अपने स्वार्थ को साधने का प्रयत्न करे, तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है, और वही यथार्थ परक चित्रण यहाँ महाबोझ उपन्यास में मिलता है। यहाँ इसी प्रसंग में एक बात और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये राजनीतिक उपन्यास है, यद्यपि इसका जो नायक है बिसु वो हरिजन परिवार से है, और सरोहा ग्राम की जो गतिविधियां हैं वो सारी गतिविधियां हरिजन टोला में, अक्सर ज्यादातर गतिविधियां हरिजन टोला के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में दलित विमर्श हो और राजनीतिक उपन्यास हो, तो आप दलित विमर्श को चिन्हित नहीं करेंगे, राजनीतिक उपन्यास को चिन्हित करेंगे, क्योंकि हरिजन टोला की पीड़ाओं को उभारना यहाँ लेखिका का उद्देश्य नहीं है, बल्कि लेखिका का उद्देश्य है हरिजन टोला के लोगों की पीड़ाओं को आधार बनाकर राजनीतिक विकृतियों का पर्दाफाश करना। तो यहाँ लेखिका का उद्देश्य राजनीतिक अधिक है, दलित विमर्श नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको जानकारी देना मेरे लिए जरूरी था। आगे चलते हैं। चुनावी परिदृश्य की पृष्ठभूमि में राजनीतिक विकृतियों और विसंगतियों की यथार्थ पर अभिव्यक्ति है। यानी राजनीतिक विकृतियों को किसके माध्यम से उभारा गया है? चुनाव के माध्यम से, कि जब चुनाव होते हैं तब किस तरीके से छोटी घटना भी उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। किनके लिए? राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन जब चुनाव दूर दूर तक होने की संभावना नहीं होती, तब बड़ी से बड़ी घटना पर भी राजनीतिक दलों की कान पर जू नहीं रेंगती। ये संवेदनहीनता, ये विकृति, ये स्वार्थ लोलुपता, ये पद लोलुपता, इसी को उद्घाटित करना, इसी का नग्न चित्र प्रस्तुत करना यहाँ मन्नू भंडारी का उद्देश्य है। 1983 में स्वयं मन्नू भंडारी ने महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतर किया। यानी ये वो उपन्यास है उनका जिसका नाट्य रूपांतर भी हो चुका है। तो यहाँ नाट्य रूपांतर भी हुआ 1983 में, प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे।
इसका पहला मंचन बदायूं में हुआ। जब 1983 में उन्होंने महाभोज का नाट्य रूपांतर किया तो उसका पहला मंचन उत्तर प्रदेश में बदायूं नामक स्थान पर हुआ। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। स्वयं मन्नू भंडारी के शब्दों में, मन्नू भंडारी ने महाभोज की भूमिका में एक महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां कही हैं जो हमें उनके इस उपन्यास लेखन के मूल में निहित उद्देश्य को उजागर करती हैं, उससे हमें परिचित कराती हैं। तो वे लिखती हैं, अपने व्यक्तिगत दुख दर्द, अंतर्द्वंद या आंतरिक नाटक को देखना बहुत महत्वपूर्ण, सुखद और आश्वस्तिदायक तो मुझे भी लगता है, मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा हो। ये स्वयं मन्नू भंडारी कहती हैं। अब इसको कथन को हम अच्छी तरह समझ लेंगे। यहाँ लेखिका कह रही है कि अपने व्यक्तिगत दुख दर्द अंतर्द्वंद यानी हमारे जीवन में, हमारे निजी जीवन की जो पीड़ाएं हैं, हमारे निजी जीवन की जो कश्मकश है, हमारे निजी जीवन में जो भी घटनाओं का नाटकीय उत्थान पतन होता है, उस सबके विषय में सोचना, उन सबके विषय में अभिव्यक्त करना प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगता है, ये लेखिका का कहना है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसके माध्यम से हमारा हृदय हल्का होता है, हम राहत अनुभव करते हैं। जब हम पर बहुत अधिक मानसिक दबाव हो जाता है विषम परिस्थितियों के कारण, अपने जीवन की, निजी जीवन की पीड़ाओं के कारण, तो अभिव्यक्ति से हम उसमें राहत अनुभव करते हैं। और लेखिका स्वयं स्वीकार करती हैं कि उन्हें भी ये बहुत सुखद, आश्वस्तिदायक लगता है, महत्वपूर्ण लगता है कि अपने निजी जीवन की पीड़ाओं की अभिव्यक्ति की जाए। वो सुख देने वाला होता है क्योंकि उन पीड़ाओं का परिहार होता है, उन पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है, और उसके बाद आश्वस्तिदायक, हृदय को राहत देने वाला होता है, आश्वासन देने वाला होता है। तो लेखिका स्वीकार करती है कि मुझे भी अपनी निजी पीड़ाओं को अभिव्यक्त करना महत्वपूर्ण, सुखदायक और आश्वस्तिदायक लगता है, लेकिन अगर घर में आग लगी हो, घर में आग से मतलब क्या है? घर में आग से मतलब है देश। देश में आग लगी हो और उस देश की आग को हम नजरअंदाज करके, उसकी ओर से आंखें बंद करके हम केवल अपने निजी दुख में डूबे रहें, तो ये हास्यास्पद होगा, ये अप्रासंगिक होगा, ऐसा मानना है लेखिका का। यानी किसी भी साहित्यकार का पहला धर्म है अपने परिवेश के प्रति सजग होना और परिवेश की विषमताओं और विसंगतियों को अभिव्यक्त करना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि महत्वपूर्ण निजी अभिव्यक्तियां भी हैं लेखिका की दृष्टि में, लेकिन प्राथमिकता किसके लिए है? परिवेश के लिए, क्योंकि परिवेश जुड़ा होता है लोक से, आम जन से, प्रत्येक व्यक्ति से, और हमारी जो निजी पीड़ा है वो केवल हमसे जुड़ी होती है। और साहित्यकार कभी भी किसी भी रचना का सृजन अपने निजी सुख के लिए नहीं करता, स्वांतः सुखाय नहीं करता, बल्कि दूसरों के मार्गदर्शन के लिए, दूसरों की अभिव्यक्ति के लिए, दूसरों के आनंद के लिए करता है। लोक मंगल का भाव वहां प्रधान होता है, ऐसा मानना है। कहने परंपरा वही है, प्राचीन साहित्यिक परंपरा, उद्देश्य वही है, लेकिन सिर्फ शब्द बदल गए हैं, कहने का तरीका बदल गया है। तो अंतर जगत में बने रहना, यानी जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अंतर जगत में बने रहे, अंतर जगत में यानी अपनी पीड़ा में डूबे रहना और उसी का प्रकाशन करना और अपनी पीड़ा, अपनी वेदना को ही अभिव्यक्त करना, अपने आप को ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील यानी भद्दा लगने लगता है। संभवतः लेखिका कहती हैं कि इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न विद्यमान रहा है, यही सवाल विद्यमान रहा है, इसलिए मैंने अपनी आंतरिक पीड़ा की अपेक्षा परिवेशगत विसंगतियों को चित्रित करना अधिक श्रेयस्कर समझा, ये भाव इसमें व्यंजित है। आगे चलें। अब बात आती है महाभोज के प्रमुख पात्रों की। महाभोज का जो नायक है वो है विशेषर, जिसे उपन्यास में विसु के नाम से संबोधित किया गया है। विसु एक हरिजन व्यक्ति है, लेकिन युवक है, लेकिन शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, सजग है, जागरूक है और चिंतनशील है, और इतना संवेदनशील है कि सभी के जीवन को बहुत अधिक महत्व देता है, चाहता है कि सभी के जीवन में आनंद, उमंग और उल्लास बना रहे, सभी को उनके अधिकार मिलते रहें। ये है विसु, जो नायक है उसका चरित्र। हीरा विसु के पिता हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद, जिसका नाम बिंदा कहकर पुकारा गया है उपन्यास में।
बिसु का मित्र है जो कुछ ही समय पहले उसका मित्र बनता है, और रुक्मा जो बाल सखा है बिसु की उसका पति है, और बिसु की तरह बिंदा भी सत्य का समर्थक है। रुक्मा बिंदा की पत्नी है, दास साहब मुख्यमंत्री है प्रदेश के और गृह मंत्रालय के प्रभारी भी है, यानी मुख्यमंत्री पद भी उन्हीं के पास है और गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। सदाशिव अत्रे जो सत्ताधारी दास साहब की पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं। जोरावर स्थानीय बाहुबली है, दबंग गुंडा जैसा दिखने वाला और ऐसे ही काम करने वाला व्यक्ति है और दास साहब का सहयोगी है। देखिए अभी मैंने आपसे बात की थी कि अपराध और राजनीति के गठबंधन से जो एक भद्दा दृश्य समाज में उत्पन्न होता है, परिवेश में उत्पन्न होता है, उसका चित्र मन्नू भंडारी ने यहाँ प्रस्तुत किया है इस उपन्यास के माध्यम से। तो वही बात यहाँ अभिव्यक्त हो रही है कि स्थानीय बाहुबली है, गुंडा टाइप इंसान है, लेकिन दास साहब जो मुख्यमंत्री हैं उनका सहयोगी है। और ये दास साहब जो हैं दोस्तों, ये बहुत शालीन व्यक्तित्व के, धार्मिक व्यक्तित्व के व्यक्ति है, धनी है, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना गहरा है कि उसकी कब उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसकी आह पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही कूटनीतिज्ञ हैं, जितने भव्य जितने शालीन वे बाहर से दिखाई देते हैं उतने ही चतुर उतने ही कूटनीतिज्ञ, और कभी कोई बात स्पष्ट नहीं कहते, केवल संकेतों में बात करके अपने उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे हैं दास साहब। सुकुल बाबू पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी जिस प्रदेश में जिस प्रांत में दास साहब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उसके पहले सुकुल बाबू वहां मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगभग 10 वर्ष तक वे इस पद पर कार्य कर चुके हैं। अब वर्तमान समय में जब दास साहब मुख्यमंत्री हैं तो ये विपक्षी दल के प्रतिनिधि हैं और सरोहा गांव जिसमें विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उसमें विधानसभा की सीट के प्रत्याशी भी हैं। लखन सिंह दास साहब का विश्वास पात्र व्यक्ति है। सरोहा गांव की सीट के लिए सत्ताधारी पार्टी यानी दास साहब ने लखन सिंह को खड़ा किया है। 10वीं पास है, ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन दास साहब का विश्वास पात्र है और दास साहब के इशारों पर कार्य करने वाला है। यहीं से आपको समझ में आने लगेगा दोस्तों कि राजनीतिज्ञ किस प्रकार अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपनी गोटियां फिट करते हैं। दास साहब का विश्वास पात्र है लखन सिंह। लोचन भैया सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों के नेता हैं, यानी दास साहब की पार्टी में एक भाग ऐसा भी है विधायकों का जो दास साहब की नीतियों से सहमत नहीं है, उनके प्रति विरोध करते हैं और अधिक महत्वाकांक्षी हैं, अधिक महत्वपूर्ण पद पाने के आकांक्षी हैं, और उनका नेतृत्व कर रहे हैं लोचन भैया, जिन्हें कहीं कहीं लोचन बाबू भी कहा गया है, और असंतुष्ट विधायकों के नेता है। सक्सेना जो है वो पुलिस अधीक्षक है जिनको SP सक्सेना कहकर के उपन्यास में पुकारा गया है। दत्ता बाबू एक समाचार पत्र है, विशाल समाचार पत्र, उस समाचार पत्र के संपादक हैं और दास साहब के बिल्कुल विश्वस्त व्यक्ति हैं और उन्हीं के इशारों पर कार्य करते हैं, वही समाचार छापते हैं जो दास साहब को रुचिकर लगे, दास साहब को अच्छा लगे। यानी एक तो अपराधों से, यानी जोरावर के रूप में अपराधों से गठबंधन हो गया है राजनीतिक दल का, सत्ताधारी दल का। दूसरी ओर पत्रकार जिनका उद्देश्य, जिनकी जिनकी जिम्मेदारी क्या है, जिनकी जिम्मेदारी है समाज की सही स्थिति को लोगों के सामने प्रस्तुत करना ताकि हर व्यक्ति समाज की स्थिति को समझ जाए, वास्तविकता को समझ जाए, उसके यथार्थ को समझ जाए। लेकिन यहाँ जो पत्रकारिता है वो काम क्या करती है, वो काम करती है सत्ताधारी लोगों के इशारों पर समाचारों को बदलने की, उनमें मिर्च मसाला लगाकर छापने की, ताकि सत्य जो है वो कभी लोगों के सामने आ ही ना पाए, और वो कार्य यहाँ पर हो चुका है। यानी अपराधी व्यक्ति सहयोगी हैं, पत्रकारिता जिसे चौथे स्तंभ के रूप में, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है, वो भी सत्ताधारी दल की गुलाम है, उसी के इशारों पर नाचती है और उसी के अनुसार समाचार भी छापती है। अब बात आती है कि महाभोज उपन्यास आखिर महाभोज क्यों है, इसका शीर्षक महाभोज क्यों है। तो दोस्तों महाभोज क्या होता है, महाभोज का जो सामान्य अर्थ है वो उत्सव उल्लास का प्रतीक है, लेकिन यहाँ महाभोज शब्द उत्सव उल्लास का प्रतीक नहीं है। यहाँ पर इस शीर्षक में एक व्यंग्य छिपा है
बहुत ही मारक, मर्म को चोट पहुंचा देने वाला व्यंग्य है इसमें। यहां महाभोज एक प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? संवेदनाहीन, क्रूर। यानी महाभोज उपन्यास का जो शीर्षक है वो कैसा है? प्रतीकात्मक शीर्षक है। संवेदनाहीन, क्रूर, स्वार्थी, सत्ता लोलुप राजनीतिज्ञों, पूंजीपतियों, पत्रकारों और समाज के उन ठेकेदारों का जो स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि किसी बेगुनाह की लावारिस लाश देखकर भी उनकी संवेदनाएं नहीं जागती और वे उस लाश को भी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनाने की जोड़ तोड़ में जुट जाते हैं। यानी कितनी राजनीतिक दल हमारे समाज के जो पूंजीपति वर्ग है वो, हमारे समाज के पत्रकार जिनके ऊपर प्रजातंत्र निर्भर करता है, उन प्रजातंत्र का जो एक महत्वपूर्ण अंग है, वे बुरी से बुरी स्थिति देख करके भी अपने भीतर हलचल महसूस नहीं करते, उनका हृदय पसीजता नहीं, बल्कि वो क्या सोचने लगते हैं? वो ये सोचने लगते हैं कि इस स्थिति को, जो घृणित स्थिति है, जो दर्दनाक है, जो यातनापूर्ण है, उस स्थिति को कैसे अपनी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनाएं। तो लाश को देखकर भी उनकी संवेदनाएं नहीं जागती और वे उस लाश को भी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनाने की जोड़ तोड़ में जुट जाते हैं। कैसे? जैसे गिद्ध किसी लाश को नोच नोच कर खाते हैं और आनंद का उत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो लाश है वो क्या है? वो लाश है दिसु की, जो हरिजन युवक है, शिक्षित है, क्रांतिकारी है, जो मजदूरों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जागरूक करता है और वो चाहता है कि जितनी उनका मेहनत है उसके अनुसार उन्हें मजदूरी प्रदान की जाए। और इसी बात से नाराज होकर उसे पहले जेल में डाला जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। जानते सब हैं कि हत्या किसने की है, लेकिन आतंक सत्ता का इतना गहरा है कि कोई अपने मुंह से बताता ही नहीं। यहाँ लाश क्या है? लाश क्या है? असंगठित, चेतना शून्य, गरीब जनता की दिखाई दे रही है। किसकी लाश? बिशु की लाश। लेकिन वास्तव में ये बिशु बिशु की जो लाश है वो किस बात का प्रतीक है? ये उस गरीब जनता का प्रतीक है जो असंगठित है, यानी जिसमें एकता नहीं है, जो चेतना शून्य है, जिसमें अपने अधिकारों के प्रति जागृति नहीं है और जो निर्धन अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश है। ऐसी गरीब जनता का प्रतीक है ये लाश, जो बिसु के माध्यम से, बिसु की लाश के रूप में उपन्यास में हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। और उसे नोच नोच कर खाने वाले गिद्ध हैं राजनेता, पूंजीपति, स्वार्थ लोलुप सरकार के लालची चमचे। अब दोस्तों, ये तो हुई इसकी एक मोटी मोटी पृष्ठभूमि। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके कथा के बारे में बता देती हूँ कि कहाँ, जब ये उपन्यास प्रारंभ होता है तो ये बताया जाता है कि बिसु की लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी हुई मिली। और जैसे ही वो लाश पड़ी मिलती है, उससे 1 महीने पहले हरिजन टोला में आगजनी की घटना हो चुकी थी जिसमें जीते जी न जाने कितने आदमी कब भुनकर जलकर कबाब बन गए और जिसका जिसकी पीड़ा, झोपड़ियां जलकर राख हो गई, जीवन बर्बाद हो गए, लेकिन कोई पुलिस वाला उसकी तहकीकात के लिए नहीं आया सूचना देने के बाद भी। ये दृश्य है एक संवेदनाहीन समाज का। तो एक तरफ वो घटना है, लेकिन 1 महीने बाद ही और बिसु ने उस हरिजन टोला की आग के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की और उसकी तहकीकात करके किसने आग लगवाई है उसके प्रमाण जुटा लिए, तो परिणाम हुआ उसकी हत्या के रूप में हमारे सामने आया। यानी सत्ता का आतंक, सत्ता की निर्ममता इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि कोई व्यक्ति सच को सामने लाने की कोशिश भी नहीं करता। और यही कारण है कि सब जानते हैं कि बिसु का हत्यारा कौन है, लेकिन आतंक के कारण कोई उस व्यक्ति का नाम नहीं लेता। तो ये स्थिति है। लेकिन जैसे ही बिसु की लाश मिलती है, क्योंकि उसके 1-1.5 महीने के अंदर सरोहा ग्राम में चुनाव होने वाले हैं, तो स्थिति बदल जाती है। जिस आगजनी की घटना पर पुलिस नहीं आई थी, उस और बहुत समय बाद जब शहर में सूचना पहुंची आगजनी की घटना की, तब अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अनेक राजनीतिक दल आए, समाज सेवी दल आए और सबने घड़ियाली आंसू वहां पर बहाए, लेकिन किसी ने भी उसकी खोज खबर, उसके कारणों का पता लगाने की कोशिश नहीं की, ना उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की कि जिसके कारण ये कार्य हुआ था। लेकिन बिसु की लाश के मिलते ही स्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि चुनाव निकट है और सत्ताधारी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं दासाहा।
और विपक्ष में है सुकुल बाबू। और प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। तो जिस पत्र का यहां नाम आया है मशाल, उसका नाम मशाल है और उसके संपादक हैं दत्ता बाबू। ये सब दास साहब, सुकल बाबू, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में सरोहा ग्राम की इस घटना को वे उसी तरह से अपनी स्वार्थ सिद्धि का, अपने पद की प्राप्ति का, अपने चुनाव में जीतने का माध्यम बनाते हैं जैसे गिद्ध किसी मरी हुई लाश को नोच नोच कर खाकर उत्सव और आनंद मनाते हैं। और यही इसका क्या है, इसका महाभोज है, इस महाभोज की शीर्षक की सार्थकता है। लेकिन होता क्या है, सुकुल बाबू भाषण देने जाते हैं, झूठी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, बढ़ चढ़कर संवेदना व्यक्त करते हैं, यहां तक कि विशु के घर भी जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें विशु के माता पिता मिलते नहीं, वे किसी काम से शहर गए हुए हैं। उसके थोड़े ही समय बाद दास साहब वहां पर अपना राजनीतिक अभियान शुरू करते हैं, घरेलू उद्योग योजना का संचालन करते हैं ताकि लोगों को अपने प्रभाव में रख सकें और अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर सकें। अब मुद्दा ये है दोस्तों कि प्रारंभ में ये तय किया जाता है दास साहब के द्वारा, क्योंकि मशाल जो पत्र है वो किसका है, किसके इशारों पर काम करने वाला है, दास साहब, क्योंकि दास साहब सत्ताधारी पार्टी में है, मुख्यमंत्री है प्रांत के। तो वे कहते हैं कि विशु की हत्या नहीं हुई है और उसने आत्महत्या की है, और मशाल पत्र में अगले ही दिन छप जाता है कि विशु की का मामला का छानबीन के बाद पता चला कि यह आत्महत्या का मामला है, हत्या का मामला नहीं है। लेकिन जब वो आगे चलकर बयान लेने के लिए भेजते हैं, सिर्फ एक दिखावा हो रहा है, एक नाटक हो रहा है कि वे विशु के हत्यारे को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे स्वयं जानते हैं कि वास्तव में विशु की हत्या किसने की है। तो जब उसी दौरान एक बिंदा नाम का युवक जो विशु का दोस्त है, सच्चाई का समर्थक है और रुकमा का पति है, वो बहुत बढ़ चढ़कर बेबाकी से सत्य का साथ देने की बात करता है, तो दास साहब को लगता है कि खतरा है। और खतरा होने पर वे इशारों इशारों में, वे स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहते दत्ता बाबू से कि आप मशाल में ये छापिए, वे केवल संकेत करते हैं। इसी तरह से वे संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलता है वास्तव में अपराधी वही होता है, और उसे एक वाक्य से ये संकेत कर देते हैं कि विशु की हत्या ही हुई है और उसका हत्यारा है बिंदा, और उपन्यास के अंत तक आते आते बिंदा को कैद हो जाती है। तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, पुलिस विभाग, पत्रकारिता, सारे पूंजीपति, सरपंच, प्रधान, जो भी गांव के नामी गिरामी लोग हैं, यहाँ तक के पहलवान और गुंडे भी, सब इन्हीं दलों के गुलाम हैं, इनके चमचे हैं और उनकी स्वार्थ पूर्ति के जरिए हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ही वे खुद अपना स्वार्थ भी पूरा कर रहे हैं। ये एक पूरा घिनौना चित्र है, लेकिन उसमें एसपी सक्सेना नाम का एक ईमानदार व्यक्ति भी है जिसके हम प्रश्न जब करेंगे तो उसकी प्रसंगवश उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, जो सिर्फ इसलिए एसपी का एसपी ही है आज तक, तरक्की नहीं कर पाया क्योंकि वो गलत बात का साथ देना नहीं जानता, वो चापलूसी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोगों की चापलूसी करना नहीं जानता। कुछ समय के लिए वो विचलित होता है विशु के बयान, हत्या के बयान लेने जब वो सरोहा ग्राम भेजा जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे सारी स्थिति समझ में आ जाती है और वो वापस सत्य का समर्थक बन जाता है। परिणाम होता है कि उपन्यास के अंत तक आते आते उसे एसपी के पद से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। ये है वास्तविक चित्र जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे को खाने में लगा है ताकि उसका स्वार्थ पूरा हो सके, और वो जिनको खाया जा रहा है वो कौन है, वो है शक्तिहीन, कमजोर, अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, महाभोज किस प्रकार का उपन्यास है, उसकी चर्चा मैं अभी कर चुकी। एमबी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है राजनीतिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास या मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की, ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये एक राजनीतिक उपन्यास है। हरिजन टोला की पीड़ाओं के माध्यम से, निम्न वर्ग की पीड़ाओं के माध्यम से लेखिका ने, मन्नू भंडारी ने, राजनीतिक कुचक्रों का पर्दाफाश करने की कोशिश यहाँ पर की है, यही उनका उद्देश्य है। तो आंसर है ए।
अगला प्रश्न, महाबोध उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये प्रश्न पूछा गया, 1965, 1975, 1979 और 1983। तो यहाँ हम चर्चा कर चुके, 1979 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना या खुद ही अप्रासंगिक हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता। मन्नू भंडारी का यह कथन अभिव्यंजक है। ए, आत्माभिव्यक्ति सृजन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बी, आत्माभिव्यंजक साहित्य अप्रासंगिक और हास्यास्पद होता है। सी, आत्माभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है परंतु परिवेशगत विसंगतियों से आंखें फेर कर मात्र अभिव्यंजन में डूबे रहना अप्रासंगिक है। डी, परिवेश के प्रति सजगता साहित्यकार का एकमात्र लक्ष्य है। तो देखिए, आत्माभिव्यक्ति सृजन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये उद्देश्य इस कथन का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मन्नू भंडारी कह रही है कि आत्माभिव्यक्ति अच्छी लगती है लेकिन अगर परिवेश में आग लगी हो, यानी परिवेश में विकृतियां और विसंगतियां हो, तो आत्माभिव्यक्ति में डूबे रहना अप्रासंगिक हो जाता है। यानी उनकी दृष्टि में आत्माभिव्यक्ति महत्वपूर्ण तो है लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ ये कथन इसका पूरा अभिव्यंजना नहीं करता। आत्माभिव्यक्ति साहित्य के लिए साहित्य आत्माभिव्यंजक साहित्य अप्रासंगिक और हास्यास्पद होता है, ये भी लेखिका का कहने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वे कह रही हैं कि आत्माभिव्यक्ति हमें सुख देती है, हमें मुक्त करती है, तो इसका मतलब है कि वो हास्यास्पद और अप्रासंगिक नहीं होती। कब होती है आत्माभिव्यक्ति हास्यास्पद और अप्रासंगिक? जब हम परिवेश में लगी विकृतियों को, परिवेश में चल रही विकृतियों से आंखें बंद कर केवल अपने दुख में ही डूबे रहे, उसी की अभिव्यक्ति करते रहे, तब आत्माभिव्यक्ति अप्रासंगिक और हास्यास्पद होती है, अन्यथा नहीं। तो ये भी पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करता। आत्माभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है परंतु परिवेशगत विसंगतियों से आंखें फेर कर मात्र आत्माभिव्यंजन में डूबे रहना अप्रासंगिक है, ये बात कथन पूरी तरह से इस बात को अभिव्यक्त करता है। डी है, परिवेश के प्रति सजगता साहित्यकार का एकमात्र लक्ष्य है। एकमात्र शब्द नहीं है तो लक्ष्य अवश्य है, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है परिवेश के प्रति सजगता। एक साहित्यकार को सबसे पहले परिवेश के प्रति सजग होना चाहिए, उसके बाद आत्माभिव्यक्ति भी करनी चाहिए। ये कथन है मन्नू भंडारी का, ये कथन इस बात को स्पष्ट करता है और ये दोनों बिंदु सी विकल्प में आते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, महाभोज उपन्यास की इस पंक्ति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? दोस्तों, लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, यही से उपन्यास महाभोज शुरू होता है, ये पहली पंक्ति है। विकल्प है, यह उपन्यास की प्रारंभिक पंक्ति है, सही है। यह उपन्यास के शीर्षक का सांकेतिक आधार है, ये भी सही है। इसके माध्यम से लेखिका ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में व्याप्त सत्ता लोलुपता, संवेदनाहीनता, अमानवीयता, स्वार्थपरता और नौच खसोट की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, ये भी बिल्कुल सही है। यह पंक्ति सुकुल बाबू ने दास साहब के विषय में कही है, ये कथन गलत है। तो असंगत कथन हुआ डी, तो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छट गए पर शहरी गाड़ियों से उठने वाली धूल के बादल कई दिन तक मंडराते रहे, यह पंक्ति अभिव्यंजक है। चुनाव सिर पर होने पर गांव की हर छोटी बड़ी घटना को चुनावी मुद्दा बनाने की राजनीतिक पार्टियों की मूल प्रवृत्ति की, गांव के प्रति शहरी लोगों की संवेदनशीलता की, शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की, या इनमें से कोई नहीं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ किस बात की ओर संकेत, किस घटना की ओर संकेत किया जा रहा है? हरिजन टोला में जो आगजनी की घटना हुई उसकी ओर संकेत किया जा रहा है, और लेखिका इन पंक्तियों के माध्यम से ये कह रही हैं कि आगजनी की इतनी भयंकर हृदय विदारक घटना हो गई लेकिन पुलिस उसकी तहकीकात के लिए एक भी दिन नहीं आई, और जब ये सूचना बहुत लंबे समय के बाद वहां पहुंची, कहां शहर, तब तक चुनावों की घोषणा हो चुकी थी और एक डेढ़ महीने में चुनाव होने वाले थे। ऐसी स्थिति में शहर से गाड़ियों का, जिसमें समाज सेवक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, पूंजीपति भी थे, पत्रकार भी थे, सबकी गाड़ियों का तांता लगा रहा। तो कहने का मतलब यह है कि जब चुनाव सिर पर होते हैं तो छोटी से छोटी घटना भी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन यदि चुनाव सिर पर न हो, यानी स्वार्थ सिद्धि का कोई माध्यम न हो,
तो बड़ी से बड़ी घटना भी कोई महत्व नहीं रखती। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा ए। इस समय सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? सरोहा की ओर सरकार का विशेष ध्यान है, बी सादा साहब का क्षेत्र होने के कारण सरोहा को सरकार की ओर से विशेष महत्व प्राप्त है, सी 1.5 महीने बाद चुनाव है अतः सरोहा की हर छोटी बड़ी घटना राजनीतिक महत्व की हो गई है, सरोहा का विधायक शिक्षित प्रगतिशील और जागरूक है इसलिए सरोहा सुर्खियों में है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि 1.5 महीने के बाद सरोहा में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसी स्थिति में वहां की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना बहुत अधिक राजनीतिक महत्व की हो गई है, क्योंकि उन घटनाओं को मुद्दा बनाकर स्वार्थ सिद्धि की जा सकती है, अपनी सत्ता लोलुपता को पूर्ण किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। तो जहां ये कहा जा रहा है इस वाक्य में कि इस समय सरोहा में पत्ते का हिलना का अर्थ क्या हुआ? छोटी से छोटी घटना भी बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है आज, क्योंकि चुनाव सिर पर है। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में ये कथन किसका है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये प्रश्न पूछा गया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और बहुत ही मूल संवेदना के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, प्रश्न है। तो ए दत्ता बाबू, बी बिंदा, सी दास साहब और डी महेश। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, बिंदा का कथन है। बिंदा कौन है? एक क्रांतिकारी युवक है जो सच्चाई का साथ देना चाहता है, जो बिसु का मित्र था उसका साथ देना चाहता था। तो जब उसे बयान के लिए बुलाया जाता है एसपी सक्सेना के द्वारा सरोहा ग्राम में, तब वो आता है और तब उस बयान के दौरान, बयान की प्रक्रिया के दौरान वो एसपी साहब से कहता है कि क्यों क्यों मार दिया गया उसे। जब एसपी साहब ये प्रश्न पूछते हैं तो वो कहता है क्योंकि वो जिंदा था। जिंदा होने का यहाँ पर मतलब केवल सांसें चलना नहीं है, अपने परिवेश के प्रति जागरूक था, हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील था। जिंदा होने का मतलब यहाँ पर ये है। तो क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रह, फिर प्रश्न करता है उनसे कि जिंदा रहने का मतलब तो समझते हैं ना आप, यानी वो व्यक्ति सक्रिय था, जागरूक था, सजग था, परिवेश से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे मार दिया गया, क्योंकि लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। तो ये बिंदा का कथन है, आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, सुकुल बाबू के विषय में असत्य कथन कौन सा है? सुकुल बाबू, पहला विकल्प, सुकुल बाबू 10 वर्ष तक प्रांत के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल सही है। सुकुल बाबू लखन को अपना विश्वास पात्र मानते हैं, गलत है। सुकुल बाबू विपक्ष के नेता हैं, बिल्कुल सही है। सुकुल बाबू ने हर चुनाव हरिजनों के बूते पर जीता है, ये भी सही है। ये खुद सुकुल बाबू स्वीकार करते हैं विपक्ष के नेता हैं। तो इन तीन बिंदुओं को आप सुकुल बाबू के विषय में अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। लखन सुकुल बाबू का विश्वास पात्र नहीं है, बल्कि दास साहब का विश्वास पात्र है, और दास साहब ने अपनी पार्टी की ओर से सरोहा के उपचुनावों में उसे खड़ा किया है। सरोहा उपचुनावों का एक उम्मीदवार है लखन। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। आगे चलें, नवा प्रश्न, बिसु के मारने का तरीका चाहे न समझ में आ रहा हो पर मरवाने वाले का नाम शायद सबके मन में साफ था, नाम भी कारण भी, पर केवल मन में, बयान के समय जबान पर कोई नहीं लाया, बिसु का बाप भी नहीं। यह पंक्ति संकेतक है समाज की विकृतियों की, समाज में हरिजनों की स्थिति की, सत्ता के आतंक की, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं कोई, सब जानते हैं किसने बिसु की हत्या की है लेकिन अपने मुंह से बोल नहीं रहा, यहां तक कि बिसु का बाप भी उसका नाम नहीं लेने से डर रहा है। तो इसका मतलब है कि सत्ता का आतंक कितना अधिक है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, महाभोज उपन्यास के नायक बिसु के विषय में असंगत कथन छाटिए। बिसु पढ़ा लिखा हरिजन जाति का युवक था, वह हरिजनों के हितों का संरक्षक था। उसकी लाश संदिग्ध अवस्था में सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली, वह जोरावर का घनिष्ठ मित्र था। तो दोस्तों ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, ये असंगत कथन है और यहां पर असंगत कथन ही पूछा गया है, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां एक बात और मैं प्रसंगवश आपको बता दूं कि जोरावर वो एक गुंडा व्यक्ति है, लफंगा व्यक्ति है, जो मार धाड़ करने में विश्वास करता है और दास साहब का सहयोगी है, और इसी को
पिसू का हत्यारा मानते हैं सरोहा ग्राम के लोग, ये बात भी आप ध्यान में रखिए। तो ये कथन बिल्कुल असंगत है पिसू के विषय में कि जोरावर का घनिष्ठ मित्र था, वो बिंदा का घनिष्ठ मित्र था, जोरावर का नहीं। तो आंसर हुआ डी। आगे चले, बात केवल बिसु की मौत की नहीं है, यह आप सब लोगों के जिंदा रहने का सवाल है, अपने पूरे हक के साथ जिंदा रहने का। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? बिंदा का, दास साहब का, सुकुल बाबू का, मशाल पत्र में छपा कथन। दोस्तों ये पंक्तियां मैंने खास तौर पर ली हैं यहाँ इस प्रश्न में, ये इसलिए ली है क्योंकि एक सवाल अभी हम हल कर चुके हैं, एक प्रश्न हम पर चर्चा कर चुके हैं जिसमें बिंदा कहता था कि जिंदा होने का मतलब तो आप जानते हैं ना, तो यहाँ भी बात जिंदा होने की गई है, लेकिन ये कथन बिंदा का नहीं है दोस्तों, ये कथन है सुकुल बाबू का। जब सरोहा ग्राम में चुनाव के प्रचार के लिए एक भाषण का आयोजन करते हैं सुकुल बाबू, तब वे विसु की हत्या को किस तरीके से चुनावी मुद्दा बनाते हैं, किस तरह से अपनी चुनावी जीत का आधार बनाते हैं, ये पंक्तियां उसकी ओर संकेत करती हैं। क्योंकि जिस समय विसु को कैद हुई थी उस समय किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, विसु को कारावास में के दौरान तरह तरह की यातनाएं दी गई, इतनी यातनाएं कि उसके हाथ पैरों पर घाव के निशान थे और अच्छी तरह से इलाज न हो पाने के कारण उनमें पस और मवाद भी पड़ गया था, जो बाद में घर आकर उसकी माँ की सेवा से ठीक हुआ। तो अगर इतनी ही चिंता थी विसु की, इतनी ही चिंता थी लोगों के जिंदा रहने के हक की, तो उस समय ध्यान देना चाहिए था, इस बात को स्पष्ट करना चाहती हैं मन्नू भंडारी यहाँ पर। तो ये कथन है सुकुल बाबू का, आंसर है सी। अगला प्रश्न, यह गरीबों की कब्र पर अपना महल खड़ा करने वाली बात हो गई, यह कथन किसने किससे कहा? दास साहब ने लोचन भैया से, दास साहब ने दत्ता बाबू से, सुकुल बाबू ने बिहारी भाई से, और सुकुल बाबू ने अपने भाषण में। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये कथन जब मशाल के संपादक दत्ता बाबू आए हैं तब वे सुकुल बाबू की नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, और तभी दास साहब ये कथन कहते हैं कि ये उनकी जो नीति है वो गरीबों की कब्र पर, क्योंकि विसु को की हत्या को, विसु की लाश को वो अपने चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, तो उस संदर्भ में कहते हैं कि ये तो गरीबों की कब्र पर अपना महल खड़ा करने वाली बात हो गई। यानी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर दोनों पार्टियों के बीच चल रहा है। सुकुल बाबू दास साहब पर आक्षेप लगाने से नहीं चूकते और दास साहब सुकुल बाबू पर आक्षेप लगाने से नहीं चूकते, और वास्तविक स्थिति में भी राजनीतिक दलों की यही स्थिति है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सड़क बनाते हैं, पर जब सड़क बन रही होती है उस समय वही हमारा लक्ष्य होती है, वही हमारा केंद्र, मंजिल पर पहुंचने का माध्यम तो वह बनने के बाद ही बनती है, यह कथन किसका है? दास साहब का, अप्पा साहब का, लोचन बाबू का, या सुकुल बाबू का? दोस्तों इस बात को एक इसके संदर्भ में मैं आपको एक छोटा सा बिंदु और स्पष्ट करना चाहूंगी कि जिस समय चुनाव की गहमा गहमी चल रही है उसी समय दास साहब के मंत्रिमंडल में कुछ एक विधायक ऐसे हैं जो उनसे असंतुष्ट हैं और उनके मंत्रिमंडल को गिराना, बहुमत अपने पक्ष में करके उनके मंत्रिमंडल को गिराना चाहते हैं, और ऐसे लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं लोचन बाबू। तो उन जब अप्पा साहब जो कि मंत्री हैं किसके, इनकी सत्ताधारी पार्टी के, दास साहब की पार्टी के, वे लोचन बाबू के पास जाते हैं ताकि उन्हें समझा सकें, और उस समय वे अप्पा साहब ये कथन लोचन बाबू से कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सड़क बनाते हैं, पर जब सड़क बन रही होती है तब हमारा लक्ष्य वो सड़क होती है, हमारा लक्ष्य उस केंद्र तक जाना नहीं होता, जब सड़क पूरी बन जाती है तब हमारा लक्ष्य हमारी मंजिल बनती है। तो ये कथन अप्पा साहब का है, तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल गिराओ अभियान में दोनों दाएं बाएं हाथ बने हुए हैं लोचन बाबू के, इस पंक्ति में ये दोनों शब्द किन के संकेतक हैं? स्वास्थ्य मंत्री राव और विकास मंत्री चौधरी के, जोरावर और जुम्मन पहलवान के, पांडे जी और बिहारी भाई के, अप्पा साहब और लखन के? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लोचन बाबू जो मंत्रिमंडल गिराओ अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं उनके समर्थक हैं स्वास्थ्य मंत्री राव और विकास मंत्री चौधरी, और उनका उनके असंतोष का कारण क्या है? क्योंकि उन्हें जो विभाग दिया गया है मंत्रिमंडल में वे उससे संतुष्ट नहीं है, और भी महत्वपूर्ण विभाग वे मंत्रिमंडल में लेना चाहते हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम जब हमारे यहाँ वास्तव में सचमुच चुनाव होते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि
उनको पैसे देकर खरीद लिया गया, इस तरह की हमको उड़ती उड़ती खबरें मिलती हैं। वही पूरा का पूरा चित्रण यहाँ उपन्यासकार ने यानी मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास में भी किया है। एक और लोचन बाबू से सौदेबाजी हो रही है स्वास्थ्य मंत्री राव और विकास मंत्री चौधरी की, और दूसरी ओर वे दास साहब के पास भी जाते हैं सौदेबाजी करने के लिए। तो वो सब चीजें यहाँ उसी तरीके से उसी गहराई से अभिव्यक्त की गई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ एक। आगे चलें। चुनाव से पहले दास साहब ने सरोहा में कौन सी योजना शुरू की? प्रौढ़ शिक्षा योजना, बेटी पढ़ाओ योजना, घरेलू महिला आत्मनिर्भर बने योजना, घरेलू उद्योग योजना। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चुनाव से पहले उन्होंने घरेलू उद्योग योजना शुरू की और उसका घर घर पर्चे बांट करके उसका प्रचार किया गया, लोगों को उसके विषय में बताया गया, एक दफ्तर वहां पर छोटा सा बना लिया गया जहां पर आए पूरे दिन लोग आते रहते थे और उनको इसके विषय में बताया जाता था कि किस तरह से वो घर में उद्योग शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपनी निर्धनता से उबर सकते हैं। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न। पुरानी बातों से बहकाइए मत, विशु की मौत का हिसाब लेकर ही रहूंगा मैं आपसे, पाई पाई का हिसाब, बिंदा डरेगा भी नहीं, चुप भी नहीं रहेगा और बिकेगा भी नहीं इन टुकड़ों से जो आप डालने आए हैं। बिंदा का यह कथन उसके चरित्र की किस विशेषता की ओर उजागर करता है? निर्भीकता और समझदारी, सजगता और स्पष्टता, दबंग एवं दृढ़ व्यक्तित्व और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये इस एक कथन में बिंदा का पूरा चरित्र हमारे सामने साकार हो जाता है। देखिए निर्भीक क्यों है? निर्भीक इसलिए है कि वो दास साहब के भाषण के दौरान उठ करके ये बात कहता है, इसलिए वो निर्भीक है। समझदार इसलिए है क्योंकि वो अपने परिवेश में जो बुरी बात स्थितियां चल रही हैं, यानी दास साहब की जो स्वार्थ प्रेरित जो गतिविधियां चल रही हैं उनको गहराई से समझता है, इसलिए समझदार है। सजग इसलिए है कि जो कुछ परिवेश में हो रहा है उसे बारीकी से देखता है, और स्पष्टता इसलिए है क्योंकि बेबाक दो टूक शब्दों में वो दास साहब ये परवाह नहीं करता कि ये व्यक्ति राजनीतिक नेता है, प्रांत का मुख्यमंत्री है, स्पष्ट रूप से उनका विरोध करता है। दबंग है, किसी से दबता नहीं, क्योंकि जब वो कहता है कि मौत का हिसाब तो मैं लेकर ही रहूंगा, पाई पाई का हिसाब, बिंदा डरेगा नहीं, तो ये उसका दबंग व्यक्तित्व है, उसकी निर्भीकता है और उसके व्यक्तित्व की दृढ़ता है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं इस एक कथन में हमें दिखाई देती है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न। विशु को जेल क्यों हुई? ए, गांव के लोगों को परेशान करने के कारण। खेतेहर मजदूरों को ज्यादा मजदूरी के लिए जागरूक करने के कारण। रुकमा से प्रेम संबंध के कारण। दास साहब पर हमला करने के कारण। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विशु एक संवेदनशील और जागरूक युवक था और वो चाहता था कि सभी को उनका हक मिलना चाहिए। वो केवल अपने सुख के विषय में नहीं सोचता था बल्कि सारे समाज के विषय में सोचता था, सारे पीड़ित जन समुदाय के विषय में सोचता था। और यही कारण है कि खेत में जो मजदूरी कर रहे लोग थे वे उनको जब कम मजदूरी मिलती थी तो वो उन्हें संगठित कर इस बात के लिए प्रेरित करता था कि वे अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात करें, और इसी बात से असंतुष्ट होकर उसे जेल भेज दिया गया था। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न। बहुते मुलायम रही खाल हमारे विशु की साहब, बहुते मुलायम। इस पंक्ति में हीरा का कौन सा भाव अभिव्यक्त हो रहा है? करुणा, स्नेह, सिक्त पीड़ा, चतुराई या निराशा? हीरा विशु के पिता हैं, और यहाँ ये पंक्ति जब एसपी उनका बयान ले रहे हैं विशु की हत्या के विषय में, तब प्रसंगवश वे बहुत भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो एसपी सक्सेना पूछते हैं कि जब वो जेल से आया था तो उसके हाथ पैरों पर बहुत घाव थे, तो क्या घर में या गांव में मारपीट हुई थी? तब हीरा कहते हैं कि वो जेल से जब आया था वहां पर उसे बहुत पीटा गया, उस पर बहुत अत्याचार किए गए और उनमें पस और मवाद भी पड़ गया था। तो उस बात को याद कर उसके पिता विशु के पिता का हृदय करुणा से भर आता है और वो कहते हैं बहुते मुलायम रही खाल हमारे विशु की साहब, बहुते मुलायम। और इस पंक्ति में उनका कौन सा भाव है? स्नेह सिक्त पीड़ा का। दया होती है लेकिन दया से भी ज्यादा यहाँ पर क्या है? स्नेह, अपने पुत्र के प्रति स्नेह का भाव है, और उसके उन घावों को याद कर जो यातना वो उस समय भोग रहा था उसकी पीड़ा उनके हृदय में उभर आई है। तो यहाँ जो भाव उभर कर आया है वो है स्नेह सिक्त पीड़ा का भाव। आंसर है बी। अगला प्रश्न। अब का बताई, बहुत रिरियावत रहा कि उत्ता बड़ा कांड हुई गवा और कौनों के नहीं धरा पुलिस। हीरा का यह कथन किस कांड की ओर संकेत कर रहा है? विशु की मौत, मजदूरों की मारपीट, हरिजन टोला में आगजनी या विशु की कैद?
तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरिजन टोला में जब आग लगी तो बिसु ने देखा कि इतने सारे लोग जीते जी जलकर कबाब बन गए, उनके घर जल गए, वे सब बर्बाद हो गए, लेकिन पुलिस बिल्कुल वहां पर आई ही नहीं तहकीकात करने के लिए, और ना ही उन्होंने इसकी कोई जांच पड़ताल की, ना किसी को पकड़ा। तो बड़ा कांड हुई गवा, और कौनों के ना ही धरा पुलिस, यानी किसी को पकड़ा नहीं। पकड़ने का मतलब क्या है इसमें व्यंजित है कि जांच पड़ताल हुई ही नहीं, क्योंकि पकड़ते तब जब जांच पड़ताल करते। तो हीरा का यह कथन किस कांड से जुड़ा हुआ है? हरिजन टोला में आगजनी से। तो आंसर है हमारा सी। अगला प्रश्न, बस समझ लीजिए सर, हम सब लोगों के जिंदा रहने पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया, यह किसने कहा? जोरावर ने, महेश ने, बिंदा ने, या जोगी सर ने? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महेश एक शहरी लड़का है, पढ़ा लिखा है, और अपने किसी रिसर्च के कार्य के सिलसिले में गांव आया है, और वहीं पर उसकी बिसु से मुलाकात होती है, और इसीलिए उसे, क्योंकि उसकी काफी निकटता थी और वो काफी सहायता कर रहा था उसके शोध कार्य में, इसलिए महेश को बयान के लिए बुलाया जाता है। इसका पूरा नाम है महेश शर्मा। तो आंसर हुआ इसका बी। हीरा के इस वाक्य ने, बहुत मुलायम रही हमार बिसुआ की चमड़ी, बहुत है मुलायम, चमड़ी पर 2 दिन पहले चढ़ाए गए पलस्तर को झाड़कर फेंक दिया, इस पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश का व्यंजित अर्थ क्या है? देखिए रेखांकित वाक्यांश क्या है, चमड़ी पर 2 दिन पहले चढ़ाए गए पलस्तर, ये रेखांकित है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए जिस समय, ये एसपी सक्सेना का कथन है, एसपी सक्सेना अपने मन में सोच रहे हैं, कहते नहीं है किसी से, मन मन में उनके कश्मकश चल रही है, क्योंकि वे न्यायवादी हैं, सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, लेकिन परिवेशगत दबाव के कारण वे अब तक कोई भी महत्वपूर्ण कदम इस क्षेत्र में उठा नहीं पाए हैं। तो वो जब देखते हैं कि दास साहब इसको आत्महत्या का मामला सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो ये निर्णय करते हैं कि अब वो भी, उनको भी तरक्की चाहिए, तो वो जो दास साहब कह रहे हैं, जो मशाल के संपादक कह रहे हैं, उनके अनुसार ही अपने बयान लेंगे और उनको तोड़ मरोड़ कर उनके पक्ष में ही बयान रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यानी कौन सा पलस्तर चढ़ाते हैं, चमड़ी पर 2 दिन पहले चढ़ाया गया पलस्तर कौन सा है, दास साहब के अनुसार अपने बयान की रिपोर्ट तैयार करने का पलस्तर। लेकिन जब वे बाहर आते हैं और वो ध्यान देते हैं, बार बार उनके मन में हीरा का, जो बिसु के पिता है, उनका एक ही वाक्य घूम रहा है कि बहुते मुलायम रही हमार बिसुआ की चमड़ी, और दूसरी ओर बिंदा के कहे गए जो वाक्य हैं वो उनके हृदय में हलचल पैदा कर रहे हैं। तो वो अचानक फिर से एक दृढ़ संकल्प, उनकी जो सत्य निष्ठा है वो जाग जाती है, और वो जो दास साहब और डीआईजी के निर्देश के अनुसार रिपोर्ट के लिए जो उन्होंने निर्णय किया था, जो पलस्तर चढ़ाया था, उसे झाड़ कर फेंक देते हैं। यानी निर्णय क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि अब वो सच्चाई का साथ देंगे। अब दोस्तों यहाँ एक बात और मैं आपको बताऊंगी कि यदि ये पंक्ति पूरी रेखांकित होती और इसका व्यंजित अर्थ पूछा जाता, तो पहले ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। मन को दृढ़ कर लिया, भावुकता को नियंत्रित कर लिया, दास साहब और डीआईजी के निर्देशानुसार बयान लेकर रिपोर्ट बनाने का निर्णय किया, सच्चाई का साथ देने का निर्णय। तो यदि पूरी पंक्ति रेखांकित होती और उसका व्यंजित अर्थ पूछा जाता तो उत्तर क्या होता, डी, क्योंकि वो पलस्तर को झाड़कर फेंक दिया, यानी जो निर्णय उन्होंने डीआईजी और दास साहब के अनुसार रिपोर्ट बनाने का लिया था, ताकि उनकी उन्नति हो सके, उनकी तरक्की हो सके, उस निर्णय को झाड़कर फेंक दिया, यानी सच्चाई का साथ देने का निर्णय किया, तो ये इसका अर्थ। लेकिन यहाँ केवल इस वाक्यांश का पूछा जा रहा है कि चमड़ी पर 2 दिन पहले चढ़ाया गया पलस्तर, तो इसका उत्तर क्या होगा, सी, यानी दास साहब और डीआईजी के निर्देशानुसार बयान लेकर रिपोर्ट बनाने का निर्णय किया, और 2 दिन बाद जब उन बहुत ज्यादा हलचल मची तो उसे झाड़कर फेंक दिया और सच्चाई का साथ देने का निर्णय किया। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, बिंदा यह मानने को तैयार क्यों नहीं था कि बिसु ने आत्महत्या की है? ए, वह हर किसी की जिंदगी से बहुत प्यार करता था, वह नेक दिल और साहसी था, वह कायर और डरपोक नहीं था, उसके सपने बहुत ऊंचे थे। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब एसपी कहते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि बिंदा आत्महत्या नहीं कर सकता, तब वो जवाब देता है, बिसु आत्महत्या नहीं कर सकता, तब बिंदा जवाब देता है क्योंकि वो जिंदगी से बहुत प्यार करता था, न केवल अपनी जिंदगी से बल्कि हर एक इंसान की जिंदगी से प्यार करता था। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हमने तो सबको देख लिया साहब, एक वह शराबी सरकार थी, एक यह पिशाबी सरकार,
बिंदा के इस कथन में शराबी और पिशाबी शब्द क्रमशः प्रयुक्त हुए हैं, यानी क्रम से हमको बताना है। ए है सुकुल बाबू और दास साहब की सरकार के लिए, बी दास साहब और सुकुल बाबू की सरकार के लिए, सरकार की दमनकारी नीतियों और लचर शासन व्यवस्था के लिए, या डी उपर्युक्त सभी के लिए। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए वाक्य को हम ध्यान से पढ़ेंगे। हमने तो सबको देख लिया साहब, एक वह सरकार थी, यानी जो पहले सरकार थी। पहले कौन सी सरकार थी? सुकुल बाबू की, क्योंकि 10 वर्ष तक वे मुख्यमंत्री रहे थे प्रदेश के। तो पहले की सरकार थी वो शराबी सरकार, तो सुकुल बाबू के लिए है पहला कथन। शराबी शब्द किसके लिए है? सुकुल बाबू की सरकार के लिए। और यह एक पिशाबी सरकार, वर्तमान में सरकार किसकी है? दास साहब की। तो दास साहब की सरकार के लिए पिशाबी शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो उत्तर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, बिंदा की बातें सुनकर एसपी सक्सेना की आंखों के सामने किसका चेहरा उभर आया? महात्मा गांधी का, अपने पिता का, दिनेश का, या बिसु का? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। इस प्रसंग को भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब बिंदा के मन में जलती हुई आग, उसकी जो क्रांतिकारी चेतना है, स्पष्टवादी है, सत्यनिष्ठा है, उसको देखते हैं एसपी, तो उन्हें अपने युवा काल की एक घटना, 1942 की घटना, जिसे कहकर उपन्यास में वर्णित किया गया है, वो घटना याद आ जाती है। जब वो किसी स्थान पर तिरंगा फहराने के लिए अपने मित्र दिनेश के साथ गए, और जब वो तिरंगा फहराने वाले थे उसी दौरान गोली की आवाज सुनकर वे वहां से भाग आए थे और दिनेश वहीं पर रह गया था। और दिनेश को गोली लगी थी, उसके बाद पुलिस ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उसके शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई थी, और अस्पताल में भर्ती रहा कई दिन तक, और उसके बाद अंततः उसने दम तोड़ दिया। तब से वो दिनेश की जो घटना है उनके अवचेतन मन में जमी हुई है। तो उन्हें दोनों ने जैसे ही उसका बिंदा का उग्र रूप देखा, तो उनकी आंखों के सामने अपने मित्र दिनेश, जिसे कि वो छोड़कर आ गए थे डर के कारण, पलायनवादी वृत्ति के कारण, उसका चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। तो ये दिनेश आपको याद रखना है, क्योंकि दिनेश को बाद में लेखिका ने प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया है। तो इस पर भी एक प्रश्न आगे हम पढ़ेंगे। इस बार वे दिनेश को अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ देंगे अंत तक। एसपी सक्सेना के इस कथन में आया दिनेश शब्द किसका प्रतीक है? देखिए दिनेश शाब्दिक अर्थ में तो क्या है, एसपी सक्सेना का मित्र, जो सत्यवादी था, राष्ट्रभक्त था, कर्तव्य परायण था और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाला था। लेकिन यहाँ पर दिनेश जो शब्द है, इस बार वे दिनेश को अकेला नहीं, दिनेश तो मर चुका है, तो दिनेश को अकेला छोड़ने की बात क्यों कह रहे हैं एसपी सक्सेना? क्योंकि यहाँ दिनेश उनका मित्र दिनेश नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है किस व्यक्ति का? जो उन युवकों का जो सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, जो विकृतियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। तो अब वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने 1942 में अपने मित्र दिनेश को अकेला छोड़ दिया था और गोली की आवाज से डरकर वे वहां से जान बचाकर भाग आए थे और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, आज जब बिंदा वही दिनेश वाला काम करने जा रहा है, तो आज उसे हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसका अंत तक साथ देंगे। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। विकृतियों और विसंगतियों के खिलाफ संघर्षरत सच्चे युवक का, समतामूलक समाज के स्वप्न का, शोषित वर्ग की पीड़ा का, भारत की सांस्कृतिक धरोहर का। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिनेश यहाँ किसका प्रतीक है? विकृतियों और विसंगतियों के खिलाफ संघर्षरत सच्चे युवकों का, जिसके रूप जो बिंदा के रूप में उन्हें वहां दिखाई दे रहे हैं। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, एकदम दाहिने हाथ बन गए हैं दास साहब के, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त नाम है लखन सिंह का, अप्पा साहब का, पांडे जी का, या लोचन बाबू का? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पांडे जी के लिए ये कथन कहा गया है, तो यहाँ पर नाम आएगा पांडे जी, क्योंकि वे चुनाव के दौरान बिल्कुल दास साहब के दाहिने हाथ बन गए थे, उनकी सारी योजनाएं बनाते थे और उनको हर स्थान की पूरी सूचनाएं, विश्वस्त सूचनाएं लाकर उन्हें दिया करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, खेती बाड़ी बहुत कर ली, अब हम राजनीति करेंगे थोड़ी, महाबोज उपन्यास में ये कथन किसका है? काशी का, जोरावर का, लखन सिंह का, या लोचन बाबू का? दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जोरावर, जो एक पहलवान और आतंकी और गुंडा टाइप व्यक्ति है, जो दास साहब का सहयोगी है, ये उसका कथन है। क्योंकि जोरावर को का दबदबा है सरोहा गांव में, सब उससे डरते हैं, आतंकित रहते हैं, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। तो सुकुल बाबू के दल के लोग उसे चुनाव में खड़ा करने की कोशिश के लिए तैयार कर लेते हैं, गुप्त रूप से
ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए। तो अब वो आगे आकर के कहते हैं और उसकी सूचना मिलती है किसको, दास साहब को, कि जोरावर ने ये कहा है कि खेती बाड़ी बहुत कर ली, अब हम राजनीति करेंगे थोड़ी, यानी वो चुनाव में खड़ा होने वाला है। तो आंसर होगा इसका बी, ये कथन जोरावर का है। आगे चले, दास साहब ने किसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया, राव को, लोचन बाबू को, चौधरी को, या इनमें से किसी को नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, लोचन बाबू नेतृत्व कर रहे थे मंत्रिमंडल गिराओ अभियान का, तो उन्हें ही दास साहब ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, और क्या, अब ये जो हरिजनों के को माथे चढ़ाने के सारे धंधे आपने शुरू किए हैं, जड़ खोदना ही हुआ हमारी एक तरह से, यह कथन किसने किससे कहा, ए जोरावर ने दास साहब से, दास साहब ने जोरावर से, दास साहब ने बिंदा से, या सुकुल बाबू ने बिहारी भाई से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, जोरावर जब ये निर्णय कर लेता है कि उसे नामांकन भरना है आखिरी दिन, तब वो दास साहब से मिलने जाता है और तब वो वहां पर ये कहता है कि आप हरिजनों को माथे चढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं, उसके पिता दिसु का जो पिता है हीरा उससे मिल रहे हैं, उसके प्रति सहानुभूति दे रहे हैं, जबकि उन्हें जोरावर ने गांव में दबा कर रखा था, उसके सामने किसी की सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो ये बात दास साहब से कहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, बदल रहा होगा जहां बदल रहा होगा जमाना, हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता जमाना, यह किसका कथन है, दास साहब का, सुकुल बाबू का, जोरावर का, या लखन सिंह का। दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, दास साहब से बातचीत के दौरान जब दास साहब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जमाना बदल रहा है, तब वो कहते हैं जहां बदल रहा होगा वहां बदल रहा होगा, जब तक मैं हूं तब तक सरोहा में मेरा ही आतंक रहेगा, मेरा ही खौफ रहेगा, मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकेगा, यहां वही पुराना जमाना चलेगा। तो आंसर है सी। अगला प्रश्न, यह जरूरी नहीं कि भला आदमी योग्य भी हो, मैं योग्यता की बात पूछ रहा हूँ, दास साहब का यह कथन किससे संबंधित है, जोरावर से, एसपी सक्सेना से, डीआईजी सिन्हा से, या लखन सिंह से। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, एसपी सक्सेना से संबंधित है दास साहब का यह कथन, जब वो देखते हैं कि एसपी सक्सेना सच्ची बात को उखाड़ना चाह रहे हैं और पूरी बात की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मन के मुताबिक जो सच है उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तब वे डीआईजी को जिन्होंने उन्हें बयान लेने के लिए सरोहा गांव भेजा था उनको फोन करते हैं और उनसे कहते हैं जब वो कि तुमने क्या क्यों एसपी सक्सेना को वहां बयान के लिए भेजा, तब डीआईजी कहते हैं कि वो बहुत भले आदमी है इसलिए मैंने भेजा, तब दास साहब ये कहते हैं जरूरी नहीं कि भला आदमी योग्य भी हो, मैं योग्यता की बात पूछ रहा हूँ, तो ये कथन किससे जुड़ा है, एसपी सक्सेना से, आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, चतुर अपराधी सबसे अधिक आक्रामक मुद्रा अपनाता है कभी कभी, इस पंक्ति के द्वारा दास साहब ने किसकी ओर संकेत किया, बिंदा की ओर, महेश की ओर, जोरावर की ओर, या पुतन चाय वाले की ओर, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दास साहब दोस्तों जब भाषण देने जाते हैं सरोहा ग्राम में तो बिंदा उनको कहता है कि हमें बहलाइए फुसलाइए मत, हम जानते हैं और मैं किसी से डरूंगा नहीं, मैं बात की तह तक जाकर के रहूंगा, जब उस वो इतनी आक्रामक मुद्रा में उनसे बात करता है, तब दास साहब ये निर्णय लेते हैं कि अभी तक वो क्या कर रहे थे, अभी तक वो बिसु की हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि ये मामला किसी और दिशा में जा रहा है, तो वो मशाल के संपादक को, जो पत्रकार हैं दत्ता बाबू, उनको बुलाते हैं और उनको इशारा करते हैं कि चतुर अपराधी जो होता है वही आक्रामक मुद्रा अपनाता है कभी कभी, तो उसका संकेत है बिंदा की ओर, यानी बिसु की हत्या का सारा का सारा दायित्व, सारा का सारा दारोमदार, सारा का सारा श्रेय वे बिंदा को देना चाहते हैं, ताकि एक और वो युवक जो उनके खिलाफ, उनकी कमियों, सब उनकी विकृतियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, उसकी आवाज को भी बंद कर दिया जा सके। तो आंसर होगा इसका ए। अगला प्रश्न, मशाल के ताजा अंक में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार नहीं छपा, असंतुष्टों द्वारा मंत्रिमंडल गिराने के प्रयास की असफलता और उनकी कड़ी आलोचना, लोचन बाबू की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी, बिंदा का दिल्ली पलायन, घरेलू उद्योग योजना की बढ़ती गतिविधियां। तो दोस्तों मशाल के ताजा अंक में असंतुष्टों द्वारा मंत्रिमंडल गिराने के प्रयास की असफलता और उसकी आलोचना भी छपी। लोचन बाबू को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है, ये दास साहब का साहसिक कदम बताया गया, ये सब सूचना भी छपी। बिंदा के दिल्ली पलायन की सूचना मशाल में नहीं छपी, बल्कि बिंदा की गिरफ्तारी की सूचना छपी।
क्योंकि अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा दोस्तों कि उन्होंने इशारा किया दत्ता बाबू की कि जो चतुर आदमी होता है वही चतुर अपराधी होता है वही आक्रामक मुद्रा अपनाता है। तो दत्ता बाबू उनके संकेत को समझ गए और उन्होंने उसी तरह का समाचार छाप दिया और बिंदा की गिरफ्तारी हो गई। घरेलू उद्योग योजना की बढ़ती हुई गतिविधियां भी यहाँ प्रकाशित हुई। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विरोधी पार्टी का अखबार कौन सा था, मशाल, क्रांतिदूत, समय के स्वर या ताजा खबर। तो मशाल तो दास साहब की पार्टी का समर्थक था और समय के स्वर विपक्षी पार्टी का समर्थक था। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, जोरावर ने अपनी चौपाल पर खाने पीने का आयोजन क्यों किया, दास साहब के कहने पर, नामांकन पत्र भरने की खुशी में, सुकुल बाबू का समर्थन पाकर, बिंदा की गिरफ्तारी और सक्सेना के तबादले की खबर से उत्साहित होकर। तो दोस्तों दास साहब ने उसको पार्टी के लिए नहीं कहा था इसलिए ये गलत है। नामांकन पत्र उसने भरा ही नहीं, जब उसने इच्छा जाहिर की तो दास साहब ने उसकी इच्छा को दबा दिया। उसने कहा कि यहाँ तो सब तुम्हारे जो प्रमाण है शिशु की हत्या के वो तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं और बिंदा उन्हें लेकर दिल्ली जाने वाला है और यहाँ तुम्हें चुनाव लड़ने की सूझ रही है। तो ऐसे करके उन्हें बिठा दिया। सुकुल बाबू के समर्थन उसे मिल गया था लेकिन अंततः उसे दाबा साहब की शरण में ही आना पड़ा। तो ये कथन भी गलत हो गया। बिंदा की गिरफ्तारी की खबर जब उसे मिली, क्योंकि उसका दुश्मन अब कौन था, बिंदा था, और एसपी सक्सेना जो उसके खिलाफ बयान की तह तक जा रहा था, बात की तह तक जा रहा था, तो जब उसने सुना कि बिंदा की गिरफ्तारी हो गई है और सक्सेना का तबादला हो गया है तो उसने उत्साहित होकर अपनी चौपाल पर खाने पीने का आयोजन किया। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, लखन की उदासी का क्या कारण था। लखन कौन है दोस्तों, लखन वो है जिसे दास साहब ने सरोहा ग्राम से चुनाव में खड़ा किया है, उम्मीदवार है वहां का। दिसु की हत्या, हरिजन टोला की आगजनी, बिंदा का गिरफ्तारी के समय बेशुमार चिल्लाना, दास साहब का उस पर अविश्वास करना। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लखन भले ही चुनाव में खड़ा हो गया था, बहुत अच्छे भाषण भी वो देने लगा था, दास साहब का विश्वास पात्र था, उनका सहयोगी था, लेकिन अभी उसकी चमड़ी उतनी मोटी नहीं हुई थी कि उस पर किसी दूसरे की व्यक्ति की पीड़ा का असर न हो। तो जब बिंदा को गिरफ्तार किया जाता है और वो बुरी तरह से चिल्लाता है, वो स्थिति उसे बार बार याद आती है, और जब जोरावर चौपाल पर खाने पीने का आयोजन करता है तब लखन बहुत उदास है, क्योंकि वो दृश्य उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, धोती के नीचे भी धोती ही निकलेगी इस गीता बांचने वाले की, सुकल बाबू का यह कथन दास साहब के व्यक्तित्व की किस विशेषता की ओर संकेत करता है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इस पंक्ति को देकर ये पूछा जाए कि ये पंक्ति किससे संबंधित है तो उत्तर होना चाहिए दास साहब से, क्योंकि दास साहब जब भी बात करते हैं तो वो गीता की बात बीच में जरूर करते हैं। तो गीता बांचने वाला शब्द जो है सुकल बाबू ने दास साहब के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि सुकुल बाबू का ये कथन दास साहब के व्यक्तित्व को कैसे उभारता है, क्या कौन सी विशेषता की ओर संकेत करता है। तो जब वो कहते हैं कि धोती के नीचे भी धोती ही निकलेगी, यानी उनके व्यक्तित्व की परते के बाद परते हैं, यानी उनका व्यक्तित्व बहुत गहरा है और उसकी तह तक जाना नामुमकिन है। ए, प्रभावशाली और उदार व्यक्तित्व के धनी है, उनके व्यक्तित्व की गहराई की थाह पाना असंभव है, वे धार्मिक प्रवृत्ति के सात्विक व्यक्ति हैं, वे कुटिल, क्रूर और संवेदनाहीन है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, पूरी तरह से उपेक्षित, परित्यक्त और एक तरफ फेंके हुए, यह वाक्यांश किससे संबंधित है, एसपी सक्सेना से, लोचन बाबू से, बिंदा से या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूरी तरह से उपेक्षित, इस पूरे घटनाचक्र में जो थे वो ये तीन व्यक्ति थे, उपेक्षित, परित्यक्त जिनको त्याग दिया गया था, और एक तरफ फेंके हुए उपेक्षित थे। एसपी सक्सेना का पहले तबादला किया गया, उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, तो ये तो सस्पेंड थे। लोचन बाबू को बर्खास्त कर दिया गया था मंत्रिमंडल से, तो ये अलग पड़े थे, और बिंदा को कैद हो गई यानी उसे जेल भेज दिया गया था। यानी तीनों व्यक्ति जिन्होंने जरा सी भी सच्चाई का साथ देने की कोशिश की उन तीनों को हटा दिया गया था रास्ते से, उनको बिल्कुल शक्तिहीन करके छोड़ दिया गया था। लोचन बाबू हालांकि उतने सत्य के समर्थक नहीं थे, लेकिन वे क्योंकि दास साहब के विरोधी थे इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। तो ये कथन उपर्युक्त सभी से संबंधित है। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न,
महाभोज उपन्यास का समापन बिंदु है सुकुल बाबू की चुनाव में जीत, बिंदा की गिरफ्तारी, सक्सेना का आगजनी और बिसु की मौत के प्रमाणों की फाइल लेकर रुकमा के साथ दिल्ली प्रस्थान, सक्सेना का सस्पेंड होना। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जहां पर महाभोज उपन्यास समाप्त होता है वहां पर लेखिका वर्णन करती है कि सक्सेना जो आगजनी की घटना हुई थी हरिजन टोला में उसके सारे सबूत लेते हैं, बिसु की मौत के प्रमाण लेते हैं और उसकी जो बिंदा की जो पत्नी है, क्योंकि बिंदा को तो कैद हो चुकी है, उसकी पत्नी रुक्मा को लेकर दिल्ली जाते हैं ताकि वे बिंदा जो कि कैद में है उसको निर्दोष साबित कर सके। यद्यपि उपन्यासकार ने, लेखिका मन्नू भंडारी ने दिल्ली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों, लेकिन ये व्यंजित है कि वो रेलगाड़ी में बैठ करके कहाँ जाएंगे, जहां और इन सारे प्रमाणों के साथ निश्चित रूप से दिल्ली ही जाएंगे क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान वहीं पर संभव था। तो आंसर है सी। अगला प्रश्न, महाभोज उपन्यास की कथावस्तु किससे संबंधित है? सरोहा ग्राम से, टिटहरी ग्राम से, पिपरिया ग्राम से या इनमें से कोई नहीं? बहुत सरल है। अब तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा ए। महाभोज उपन्यास के विषय में असंगत कथन छांटिए। 1976-77 की चुनावी पद्धतियों के राजनीतिक दांवपेच से संबंधित है। बी, अपराध और राजनीति के गठबंधन का यथार्थ चित्रण है। सी, चुनावी परिदृश्य में राजनीतिक विकृतियों और विसंगतियों का पर्दाफाश किया गया है। डी, स्वतंत्र भारत में समतामूलक समाज की स्थापना के स्वप्न के खंडित हो जाने की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि महाभोज उपन्यास के विषय में ये असंगत कथन है, बाकी कथन सभी सही हैं, तो आंसर होगा डी। आगे मन्नू भंडारी के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज, स्वामी। एक इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी। स्वामी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, आपका बंटी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक इंच मुस्कान पहला उपन्यास है मन्नू भंडारी का जो 1962 में प्रकाशित हुआ। आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष है 1971, महाभोज का है 1979 और स्वामी का है 1982। तो दोस्तों आपको एक बात और मैं स्वामी उपन्यास के विषय में बता दूं कि स्वामी मूलतः शरद चंद्र की लिखी हुई एक कहानी है जिस पर शरद चंद्र की बहुत अधिक शरदचंद्र मन्नू भंडारी के बहुत प्रिय कथाकार हुए। वे बचपन से उनकी कहानियां पढ़ती चली आ रही थी तो बासु भट्टाचार्य ने उनसे निवेदन किया कि वो स्वामी कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं तो वे उसकी पटकथा लिख दें। तब मन्नू भंडारी ने उपन्यास के मूल कहानी की मूल संवेदना को सुरक्षित रखते हुए इसको उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया और इस पर बाद में एक फिल्म का निर्माण भी हुआ। तो स्वामी वो उपन्यास है उनका। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतर कब प्रकाशित हुआ? 1980, 1982, 1983 या 1985? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1983 में इसका नाट्य रूपांतर हुआ और सबसे पहला मंचन हम पढ़ चुके हैं बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मन्नू भंडारी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? दिल्ली शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या हिंदी अकादमी पुरस्कार? तो दोस्तों दिल्ली शिखर सम्मान से अलंकृत की गई थी मन्नू भंडारी लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें नहीं मिला था। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला और हिंदी अकादमी भी उन्हें मिला। तो आंसर होगा इस प्रश्न का बी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने मन्नू भंडारी रचित उपन्यास महाभोज पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की और सारे प्रश्न उस तरीके से बनाए गए थे कि तथ्य पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके और आप परीक्षा में हर प्रश्न का सही जवाब दे सके। अगले सत्र के इंतजार में रहिए।